नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नाला सोपारा प्रगति नगर से सामने आई खूनी खेल की तस्वीरें। लाठी डंडों के बल पर अपराधियों ने कुछ लोगों को कर दिया लहूलुहान। अपराध का गढ़ कहे जाने वाले नालासोपारा स्थित प्रगति नगर में एक बार फिर खूनी खेल सामने आया है, जहां एक बार फिर लाठी और डंडे चले, जिसमें किसी का सर फूटा तो किसी के शरीर से लहू बहता नजर आया। पूरा मंजर दिल दहला देने वाला था। मानो यह लग रहा था कि यहां पुलिस के नाम से कोई नहीं घबराता। इस क्षेत्र का नाम तो प्रगति नगर है, लेकिन यहां के कुछ अपराधियों ने अपराध करने में यहां काफ़ी तरक प्रगति कर ली है। आपको बता दें कि नालासोपारा पूर्व के प्रगति नगर में कल रात करीब 9 बजे के आसपास बसेरा बिल्डिंग स्थित रिक्शा स्टैंड के पास 20 से 25 की तादाद में लाठी डंडे लेकर कुछ लोगों ने एक दुकान में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी, और जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तब उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया। वहीं एक व्यक्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि मारने वाले रिक्शा चालक थे, जिन्होंने कई युवकों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। आसपास के लोगों को देखने पर युवकों के परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर परिजनों ने इस घटना की शिकायत क्षेत्र के तुलिंज पुलिस स्टेशन को दी, जिसकी जांच तुलिंज पुलिस कर रही है। हालांकि अपराधी पुलिस की पकड़ से अब तक कोसों दूर है। अब देखना यह है कि तुलिंज पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करके इन पर कड़ी कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। आपका पूरा नाम बताइए। रफीक शेख। ये पूरा मामला क्या है? मामला मेरे को भी मालूम नहीं है। ये 20-25 आदमी आए दुकान के ऊपर और सीधा मारना तोड़ना ही चालू कर दिए। बोलते तेरा लड़का किधर है, निकाल उसको। कौन आदमी थे वो लोग? अब मैं पहचानता नहीं उन लोगों को। आई जाए, सब रिक्शे वाले थे। सब रिक्शे वाले थे। कहाँ रिक्शा चलाते हैं लोग? इधर ही अपने ही बाजू में ही रिक्शा स्टैंड लगता है, इधर ही के थे। अब ये मसला मालूम नहीं है। प्रगति नगर में चला? प्रगति नगर। हाँ, क्या हुआ जब दुकान पे आए वो लोग? कुछ नहीं, सीधा मारना ही चालू किए और तोड़ फोड़ चालू कर दिए बाम्बू से। बोलते वो तेरे लड़के को निकाल, तेरा लड़का था। क्या तोड़ फोड़ किए? वो अंडा तोड़े और टेबल तोड़े और दरवाजे में कस्टमर को मारे। किस चीज़ का दुकान है आपका? चिकन का। कितने साल से आप काम कर? कम से कम 9 साल हो गया। कितने लोग थे लगभग? 2-3 थे। कितने लोग थे टोटल? कम से कम 25-30 आदमी थे। मेरा नाम रविंद्र ठाकुर। क्या मैटर था कि मैटर नहीं, इनको मतलब कुछ लफड़ा हुआ था तो मैं ऊपर से नीचे उतरा। ड्यूटी से मैं रिटर्न आया था, नहा धोवा कर मैं नीचे आया तो इनके ऊपर मारपीट चालू हो गया था। उसके बाद मैं वहाँ पे खड़ा हुआ तो मेरे ऊपर भी डंडा उठाया गया, लेकिन मतलब किसी ने रोक दिया कि इनको। तो कितने जन आए थे? कितने जन मतलब कोई गिनती नहीं ना, कम से कम 20-25 जन थे। क्या करते हो लोग? और आए लेके आए, डंडा वंडा लेके आए, मारना पीटना चालू कर दिए, सेटर टोलना चालू कर दिए। नारायण कुमार साहू। ये क्या घटना हुई? मैं चाचा की दुकान पे गाड़ी लेने गया था, जैसे चाबी लगा रहा हूँ ये 25-30 जन आए और मेरे को मारना शुरू कर दिए। तो किस लिए मारने आए? अब हमको नहीं मालूम है ना, मैं तो चाचा की दुकान के सामने गाड़ी लाया था, अपनी गाड़ी लेने आया था। उसमें से किसी को पहचानते हैं? हाँ, 2-3 जन को पहचानता हूँ, अभी नाम नहीं मालूम है। लोग सब नए बंदे हैं प्रगति नगर के। ये सब क्या करते? सब रिक्शे वाले हैं। रिक्शा ड्राइवर? हाँ। आपने पुलिस को कंप्लेंट किया है? नहीं, हम लोग जा रहे पुलिस को कंप्लेंट करने अभी। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।